सादर प्रणाम। एस्ट्रो विनीता की तरफ से सोशल ग्लोबल न्यूज चैनल के सभी दर्शकों और समस्त देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर आए हैं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक। देखेंगे जीवन में क्या होने जा रहा है अच्छा और कहां आ रही है परेशानियां, और फिर परेशानियों का क्या कर लेना चाहिए आपको समाधान, और क्या ध्यान रखनी चाहिए हमें सावधानियां। पिछली बार भी हमने आपको साप्ताहिक राशिफल में कहा था कि अगर आपके जीवन में भी कहीं कोई परेशानी चल रही है तो इस दिए हुए नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, साथ अपना कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका उत्तर आपको उपायों के साथ दिया जाएगा ताकि जीवन में चल रही परेशानी कहीं ना कहीं कम हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल है, बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा, अच्छा समय व्यतीत करेंगे आप अपने परिवार के साथ, भाई बहनों का अच्छा सहयोग रहेगा, पर कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से मन मुटाव की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य सुख में कमी दिख रही है, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं, घरेलू एवं आर्थिक उलझनों के कारण मन में अशांति बनी रहेगी, मानसिक परेशानी रहेगी जिसके कारण आपके स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपन भी देखने को मिल रहा है। मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार के लिए समय अनुकूल है, मेहनत और परिश्रम से सफलता जरूर मिलेगी, साझेदारी की कार्यों में सफलता, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, नई योजनाएं बनाने में कुशल रहेंगे, अपने आय के साधन बढ़ा सकेंगे, कुछ ना कुछ अलग करते रहेंगे जिससे आय आपको जनरेट होती रहे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी की स्थिति आपकी सामान्य है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, खर्चों की अधिकता दिख रही है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जहां तक हम बात करें विद्यार्थियों की तो उनको सफलता जरूर मिलेगी पर कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद। स्वास्थ्य में आपको पेट संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, कोई एलर्जी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानियों में अपनी व्यर्थ की सोच नहीं रखनी, बिना बात मत सोचिए और जीवन साथी के साथ संबंध अवश्य अच्छे बनाकर रखिए। उपाय में आपको प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना है, बुधवार के दिन साबुत मूंग का दान कीजिए, प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा डालिए, शुभ दिन आपका रहने वाला है मंगलवार और गुरुवार। वृषभ राशि वालों का समय सामान्य सा दिख रहा है, परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, माता पिता के सुख में कमी दिख रही है, भाई बहनों के साथ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही, जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रहेगा पर आपको अपने क्रोध पे और अपनी वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ स्थिति सामान्य दिख रही है, व्यापार में मेहनत से सफलता इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सफलता भी आपकी तरफ धीरे धीरे चलकर आएगी, आर्थिक क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। नौकरी के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं कहेंगे क्योंकि उच्च अधिकारियों से कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई है, धन की स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों की अधिकता रहेगी, आय के एक से ज्यादा आपके साधन बनेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का टाइम रहेगा। स्वास्थ्य में आपको पेट संबंधित सर्दी खांसी, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई गुप्त रोग और किसी सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी है। शत्रुओं में आप हावी रहने वाले हैं, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करेंगे और धार्मिक कार्यों पर खर्च भी अधिक करेंगे, विदेश यात्राओं की अच्छी संभावना है। सावधानी में आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, फिजूल खर्च से बचना है अन्यथा मानसिक परेशानी का कारण बनेंगे खर्चे आपके लिए। उपाय में आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित कीजिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए और देसी घी का दीपक जलाइए, शुभ दिन आपका रहने वाला है बुधवार और शनिवार। मिथुन राशि वालों के लिए समय मेहनत का रहेगा पर मेहनत के रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, परिवार के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत कीजिए अन्यथा मन मुटाव की स्थिति पैदा होगी, भाई बहन के सुख में कमी दिख रही है, पिता का पूर्ण सहयोग दिख रहा है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग दिख रहा है, मित्रों के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, व्यापार के लिए समय अनुकूल है, जो लोग इस समय किराने का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, होटल बेकरी या ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है, सट्टे में लॉटरी में शेयर में अचानक से धन लाभ की संभावना, फिर भी लालच मत कीजिएगा ऐसा ना हो कि कोई हानि उठा बैठे, साझेदारी के कार्यों में आपको लाभ रहेगा, नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा, धन की स्थिति भी अच्छी है पर खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, आय के एक से अधिक साधन रहेंगे,
शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता, आप अपनी बोलचाल से अपने रुके हुए काम भी बनवा लेंगे और आपका जो आचरण रहेगा वो परिस्थितियों के अनुसार रहेगा। कहते हैं कि इंसान कई बार पानी की तरह बन जाता है कि जिस बर्तन में डालो उसी की शेप ले लेता है, तो इसी तरह आपका आचरण भी आपकी परिस्थितियों के अनुसार रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं की संभावना दिख रही है, विदेश जाने की अच्छी संभावना है। स्वास्थ्य में आपको पेट संबंधित, आंखों से संबंधित कोई गुप्त रोग हो सकता है। सावधानी में आपको अपने क्रोध और वाणी पे संयम रखना है और आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास मत कीजिए। उपाय में आपको ओम एम श्रीम श्रीम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शुक्रवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पे मिश्री का दान कीजिए। प्रतिदिन शिवालय में पंचामृत से अभिषेक कीजिए और शुभ दिन आपका रहने वाला है सोमवार और बुधवार। कर्क राशि, सप्ताह का आरंभ कुछ उतार चढ़ाव ये है। परिवार के साथ स्थिति सामान्य दिख रही है, बोलते समय शब्दों का सही चयन जरूर कीजिए। माता के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित रहेंगे, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आप चिंतित दिख रहे हैं, किसी ना किसी कारण से मानसिक परेशानी हो सकती है, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे, मन तामसिक भोजन की तरफ भागेगा। व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, सोच समझ कर निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना है और जो भी परिवर्तन होगा आपके अच्छे के लिए होगा। जो लोग इस समय ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको फायदा है। नौकरी के लिए समय अनुकूल, धन की स्थिति अच्छी पर बीमारियों पर खर्चा भी दिख रहा है। रहन सहन का स्तर आपका उच्च स्तरीय रहेगा, वो भी एक अधिक खर्चे का कारण रहेगा। शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल, परिश्रम से सफलता, आप अपनी अच्छी बोलचाल से समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। स्वास्थ्य में आपको सर्दी खांसी कोई गुप्त रोग बुखार सिर दर्द आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। सावधानी में आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। उपाय में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शिवालय में कच्चे दूध में पानी मिला के जल मिला के अभिषेक करना है। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए और शुभ दिन आपका रहने वाला है मंगलवार। सिंह राशि, अनेक उतार चढ़ाव के बाद सफलता। परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद या उनके सुख में कमी। भाई बहन के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी बनी रहेगी। मित्रों के साथ समय सामान्य रहेगा पर कहीं किसी गलतफहमी की संभावना भी दिख रही है, तो सोच समझ के हर बात का डिसीजन लीजिए। व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष और कठिनाई पर सफलता जरूर मिलेगी और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको उनसे लाभ मिलने जा रहा है। साझेदारी में असफलता, पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो लोग मीडिया का काम करते हैं, डेकोरेशन रिलेटेड आइटम्स का काम करते हैं, किसी लिक्विड चीज़ों का काम करते हैं, उन्हें फायदा होने की पूर्ण संभावना। योजना बनाने में आप कुशल रहेंगे पर कुछ काम आप शुरू करके बीच में भी छोड़ सकते हैं, तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूर्ण रूप से सोच विचार कर लें। नौकरी के लिए समय अच्छा है, धन की स्थिति भी अच्छी है, आय के साधन भी अच्छे रहेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा, विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल रहेगा, आपकी अच्छे खान पान के प्रति रुचि बढ़ेगी, लंबी यात्राओं की संभावना। धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि, स्वास्थ्य में सर्दी खांसी लीवर की समस्या कोई कानों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। सावधानी में आपको बड़ों का सम्मान करना है और अपने चरित्र को जरूर अच्छा रखिए। उपाय में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, प्रतिदिन शिवालय में पंचामृत से अभिषेक कीजिए और शुभ दिन आपका रहने वाला है मंगलवार और गुरुवार। कन्या राशि, कन्या राशि का समय कुछ सामान्य सा है। परिवार के साथ स्थिति सामान्य, अपनी बोलचाल और गुस्से पे संयम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव। जो बहुत निकट के रिश्तेदार हैं उनके साथ भी कलह कलेश की स्थिति पैदा हो सकती है। भाई बहनों के साथ भी स्थिति मैं कहूंगी तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। दाम्पत्य सुख में भी कमी है, पारिवारिक सुख में कमी, मित्रों के साथ छोटी छोटी यात्राओं की संभावना दिख रही है। व्यापार में दौड़ धूप की स्थिति बनी रहेगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। नौकरी के लिए समय सामान्य है पर विशेष रूप से आपको अपने उच्च अधिकारियों से नहीं उलझना, सरकारी पक्ष से परेशानी हो सकती है। आमदनी के साथ साथ खर्चों की अधिकता और खर्चे भी आप अपने भोग विलास पे, अपने मनोरंजन पे, अपने एंटरटेनमेंट पे करेंगे और ज्यादा खर्चे आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। शिक्षा के लिए स्थिति इस समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। शत्रु पक्ष पर आप विजयी रहेंगे,
बहुत ज़्यादा क्रोध करने से, बहुत ज़्यादा आवेश में आने से आप अपनी ही हानि स्वयं कर बैठेंगे। आकस्मिक दुर्घटना की संभावना बन रही है जिसके कारण शारीरिक कष्ट होगा और धन की भी हानि होगी। स्वास्थ्य में आपको पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित, लीवर, गुप्त रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सावधानी में कोई झूठा आरोप लगने की संभावना है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस लगेगी। किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। उपाय में आपको ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बुधवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को भोजन दीजिए। भोजन बिल्कुल साफ सुथरा ताजा बना हुआ होना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी को मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाइएगा। और शुभ दिन आपका रहने वाला है सोमवार। तुला राशि, तुला राशि सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक एवं आर्थिक परेशानी, परिवार के साथ स्थिति सामान्य, अपने क्रोध वाणी पे संयम रखिए। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, मानसिक तनाव बना रहेगा। मित्र आपके पूर्ण सहयोग करेंगे आपके साथ। व्यापार में स्थिति सामान्य है पर अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। साथ में काम करने वाले लोगों के साथ वाद विवाद की संभावना, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं। जो लोग इस समय प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, केमिकल, डेयरी प्रोडक्ट्स, कपड़े या स्टेशनरी, इसमें फायदा होने के पूरे चांसेस हैं। नौकरी के लिए समय अनुकूल, धन की स्थिति अनुकूल, एक से अधिक आपके आय के साधन रहने वाले हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध रहेंगे। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय उत्तम है। स्वास्थ्य में सर्दी, खांसी, कोई एलर्जी, पथरी, शुगर की समस्या आपको हो सकती है। कठिन परिस्थितियों में आने के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे। सावधानी में आपको अपनी बोलचाल पर संयम रखना है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बना के रखने हैं। उपाय में आपको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बुधवार के दिन आप साबुत मूंग का दान कीजिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कीजिए। कोशिश कीजिए कि फल में केले का सेवन ना किया जाए। शुभ दिन आपका रहने वाला है शुक्रवार और शनिवार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष तो दिखेगा, कठिनाइयां तो दिखेंगी, पर सफलता अंत में जरूर मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, पूर्ण सहयोग मिलेगा उनका। भाई बहन के सुख में कमी दिख रही है। पारिवारिक उलझनों के कारण मानसिक परेशानी भी, उलझने किसी भी सदस्य से हो सकती हैं घर के। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग रहेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा है। कुछ सोच समझकर लिए गए निर्णय आपको सफलता दे सकते हैं। और नौकरी के लिए समय अनुकूल, आपके उच्च अधिकारियों का भी समय पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता से और सरकारी क्षेत्रों से आप लाभान्वित रहेंगे, आपको फायदा होने जा रहा है। धन की स्थिति अच्छी है, खर्चों की अधिकता है और खर्चे भी अपने ऐशो आराम पे, आय के एक से अधिक साधन रहेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के आप संपर्क में रहेंगे, शत्रुओं पर विजय। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है। धार्मिक कार्यों पे आप अधिक खर्च करेंगे और छोटी छोटी यात्राओं की संभावना। स्वास्थ्य में पेट संबंधित, गैस्ट्रिक, सिर दर्द, आंखों की परेशानी, दांतों की या कोई गुप्त रोग। सावधानी में बड़ों का सम्मान करना है। दूसरों पर अपनी नहीं चलानी, दूसरों की सुनेंगे तो उसमें भी फायदा रहेगा। उपाय में ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफीज बांट दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए और देसी घी का दीपक जलाइए। शुभ दिन आपका रहने वाला है सोमवार और मंगलवार। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा कहीं ना कहीं संघर्ष लेके आ रहा है। परिवार के साथ स्थिति सामान्य रहेगी। पिता के सुख में कमी, माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित। पारिवारिक सुख में कमी मानसिक तनाव का कारण, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे पर जीवन साथी का इस समय आपको पूर्ण सहयोग मिलने जा रहा है। मित्रों के साथ स्थिति अच्छी। व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेष परेशानी। नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बन रही है और अगर परिवर्तन भी होगा तो अच्छे के लिए होगा। सरकारी पक्ष से परेशानी दिख रही है। संघर्ष अधिक, आय सीमित और अपनी भूल के कारण आप धन हानि भी करवा सकते हैं। उचित अनुचित तरीकों से धन लाभ करेंगे आप। शत्रु पक्ष से आपको लाभ रहेगा। खर्चों की अधिकता भी अधिक परेशानी का कारण रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। आप अपनी अच्छी बोलचाल से मान प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा।
स्वास्थ्य में पेट संबंधित और आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है और सावधानी में आपको पिता और पिता समान लोगों का सम्मान करना है, किसी अनैतिक संबंध में ना पड़े अन्यथा मान सम्मान को ठेस। उपाय में आपको ओम व्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन शिवालय में अभिषेक कीजिए, प्रतिदिन पक्षियों को सतनाजा डालिए और शुभ दिन आपका रहने वाला है गुरुवार और मंगलवार। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भी सप्ताह कुछ मिला जुला रहेगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत कीजिए, अपने बोलने वाले शब्दों का ध्यान रखिए, अन्यथा परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। माता पिता की सुख में कमी दिख रही है, भाई बहनों का अच्छा सहयोग दिख रहा है, मित्रों का अच्छा सहयोग दिख रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित दिख रहे हैं या कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद मानसिक परेशानी बनी रहेगी। व्यापार की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है, मेहनत की आवश्यकता, मेहनत भी करेंगे तो सफलता धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में अनेक बार आपको अस्थिरता दिखेगी और परिवर्तन की भी स्थिति की हो सकता है, मैं ये बिजनेस बंद करके कुछ दूसरा कर लूँ या कुछ नया ट्राई कर लूँ, तो उसमें भी आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। पारिवारिक एवं आर्थिक क्षेत्र में असंतोष रहेगा, साझेदारी के कार्यों में भारी हानि, तो पार्टनरशिप तो भूल के भी मत कीजिएगा। नौकरी के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं कहेंगे क्योंकि उच्च अधिकारियों से परेशानी हो सकती है, आमदनी से ज़्यादा खर्चे बने रहेंगे, विरोधी एवं शत्रु भी इस समय आपको हानि पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश के लिए समय जरूर अनुकूल दिख रहा है। स्वास्थ्य में पेट संबंधित, आंखों से संबंधित कोई स्किन एलर्जी, ब्लड इंफेक्शन, ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावधानी में अपनी वाणी और क्रोध पे संयम रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और उपाय में ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शिवालय में पंचामृत से अभिषेक कीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालिए और शुभ दिन आपका रहने वाला है शनिवार। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह पारिवारिक संबंधों को लेकर मन में असंतोष बना रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं होगी। कार्य आपके सारे पूर्ण होंगे पर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी के साथ। परिवार के साथ स्थिति सामान्य, माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित, भाई बहनों के साथ भी संबंध सामान्य दिख रहे हैं, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और रीजन रहेगा कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मानसिक परेशानी बनी रहेगी, आलसीपन रहेगा, चिड़चिड़े हो सकते हैं स्वभाव में, मित्रों के साथ समय अच्छा व्यतीत करेंगे। व्यापार में परिश्रम के बाद सफलता है, दौड़ धूप की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी के लिए समय अच्छा है पर आपको अपने उच्च अधिकारियों से नहीं उलझना। धन की स्थिति सामान्य, खर्चों की अधिकता, समाज में मान सम्मान बनेगा, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, नई योजनाएं बनाने में आप कुशल रहेंगे, आपकी बोलचाल अच्छी रहेगी, शत्रुओं पे आप हावी रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए स्थिति सामान्य दिख रही है, छोटी छोटी यात्राएं करते रहेंगे। स्वास्थ्य में आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित, सिर दर्द, बुखार की समस्या, सावधानी में आपने छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना, पिता और पिता समान पुरुषों का सम्मान करना है। उपाय में आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है और शुभ दिन आपका रहने वाला है शुक्रवार। मीन राशि, मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार के साथ स्थिति सामान्य, वाणी और क्रोध पर संयम रखना है अन्यथा वैचारिक मतभेद, पिता के सुख में कमी दिख रही है, भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य है, जीवन साथी के सुख में कमी दिख रही है, मित्रों के साथ किसी गलतफहमी की आशंका, पारिवारिक एवं आर्थिक सुख में कमी, घरेलू उलझनों के कारण मानसिक तनाव एवं मन में अशांति बनी रहेगी। व्यापार में विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी वालों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी, धन की स्थिति भी ठीक है पर खर्चों की अधिकता और खर्चे भी फिजूल खर्च, रहन सहन का स्तर आपका उच्च स्तरीय रहेगा जिसपे उस पर खर्च अधिक होगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय उत्तम है, मेहनत जरूर कीजिएगा। विदेश यात्रा के लिए समय उत्तम है, शत्रुओं पर आप विजयी रहेंगे पर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कोई नुकसान ना कर बैठे इसलिए शत्रुओं से सावधान भी रहें। स्वास्थ्य में आपको पेट संबंधित कोई गुप्त रोग, कोई स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, सावधानी में आपको क्रोध और वाणी में अपनी संयम रखना है। व्यवसाय में कभी लाभ और कभी हानि की स्थिति बनी रहेगी इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, हो सकता है जहां लाभ के लिए सोच रहे हो वहां हानि कर बैठे, तो अगर थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेंगे तो फायदे में रहेंगे। उपाय में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है और देसी घी का दीपक जलाना है। शुभ दिन आपका रहने वाला है सोमवार और गुरुवार।
ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। कुछ के लिए कुछ अच्छा, कुछ के लिए कहीं कोई परेशानी, कुछ को सावधानी की जरूरत थी तो कुछ लोगों को उपाय की जरूरत। तो मिला जुला रहा, जहाँ सावधानी की जरूरत है वहाँ सावधानी लीजिए, जहाँ उपाय करने की जरूरत है वहाँ उपाय जरूर कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कहीं परेशानी चल रही है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लास्ट साप्ताहिक राशिफल में भी कहा गया था और इस बार भी कहने जा रही हूँ कि अगर जीवन में कहीं परेशानी चल रही है तो इस नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी कोई भी एक समस्या जिसका आपको पूरा समाधान दिया जाएगा उपायों के साथ, आप ले सकते हैं निःशुल्क। और आज चलते चलते जो हमारा खास उपाय है जो आपको बताने जा रहे हैं, जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं होने को आ रही तो प्रत्येक शनिवार पीपल पे जल चढ़ाइए। पीपल पे जल में आप कच्चा दूध लीजिए, अक्षत लीजिए, चावल लीजिए, काले तिल लीजिए, चीनी डालिए उसमें और पीपल पे जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। देखिए धीरे धीरे किस तरह आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और जो लगता है कि जीवन में परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी तो वह आपको परेशानियां खत्म होती भी नजर आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आएंगे अगले साप्ताहिक राशिफल में। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।